दादरी जिले के गांव चंदेनी के खेतों में किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें सरपंच पद के प्रत्याशी रविंद्र को गोली लग गई। गोली लगने से घायल युवक को दादरी के सरकारी अस्पताल लाया गया। युवक के जांघ में गोली लगने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने घायल को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। गोली चलने के कारणों का अभी कोई पता नहीं चल पाया। सीआईए पुलिस व जोंजू कला पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। ये सर गोली चलने का है, लगी तो गोली है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कैसे क्या हुआ। लेकिन मेरे पास जो कॉल आई तो बीच में मैं रमलवास और चनानी के बीच में था, और ये रविंदर उर्फ लुकात गांव चंदेनी और मेरा मित्र भी है। मेरे पास जो कॉल आई तो मैंने यहाँ अब एडमिट करवाया है। अब यहाँ फर्स्ट एड देने के बाद हम पीजीआई रोहतक के डॉक्टर रेफर कर रहे हैं, तो मेरे इतने संज्ञान में है और मैं तो इतना ही कहूँगा। कौन? गांव चंदेनी है जी, और ये फायरिंग चली है, ये इनके फार्म हाउस पर चली है। ये सूचना मिली थी रविंद्र सनोप रामेर चंदेनी गांव का 27 साल का, इसके गन शॉट में एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, यहाँ पता कर रेफर कर दिया पीजीआई को। इस ये अभी तक ये पता चला है कि इसके भाई है फौजी, उसने इसके कोई कहा सुनी होगी तो उसने गोली चला दी। बाकी ये इनके बयान लेके आगे जो मामला आएगा। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।